गुड मॉर्निंग बच्चों बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा का पाठ करेंगे। तो आप तैयार है ना पुस्तक लेकर? 10वीं कक्षा का पाठ करने के लिए मैं आज आई हूँ, पता है आपको अपनी टीचर। तो बच्चों, आप सोचिए कि मैं कौन सा पाठ करने वाली हूँ। पाठ का नाम है समय की पहचान। तो आपको समय की पहचान पाठ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि समय की पहचान है कविता। समझ में आ रहा है ना? समय की पहचान है कविता कराने जा रही हूँ मैं आपको। तो समय की पहचान कविता सुनने से पहले, कविता का सारांश यानी विवरण सुनने से पहले बच्चों, आपको ये समझना है कि समय की पहचान हमें क्यों चाहिए। समय की पहचान हमें क्यों चाहिए, समझ में आ रहा है ना? तो आप देख सकते हैं कि समय मनुष्य के जीवन में बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक होता है बच्चों समय। क्योंकि अगर हम समय की वैल्यू नहीं कर सकते तो समय हमारी वैल्यू नहीं करता। तो समय को जो नष्ट करता है, समय उसे नष्ट कर देता है। हम कभी कभार कहते रहते हैं कि आज हमारा टाइम ही सही नहीं है, आज हमारा टाइम वक्त ही सही नहीं है, ऐसा हम बार बार कहते रहते हैं बच्चों। तो बच्चों, आपको समझना है कि समय का सदुपयोग कैसे करना है, कैसे करना है समय का सदुपयोग, आपको कैसे करना है ये समझना है बच्चों। तो मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रही हूँ कि जो भी समय को नष्ट करता है, समय उसे नष्ट करता है। गरीब के लिए, अमीर के लिए, राजा के लिए, गुलाम के लिए एक ही समय होता है। अगर अमीर समझता है कि नष्ट हुआ तो होने दो, क्या जाना है, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैं समय खरीद लूंगा, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो देख रहे हैं आप कि समय की पहचान कैसे की जाती है। जो अपने समय में मिलता है हम उस समय का क्या करना है, सदुपयोग करना है। इस कविता में यही दिखाया गया है। तो समय की पहचान कविता के कवि हैं सियाराम शरण गुप्त जी हैं। कौन है? सियाराम शरण गुप्त जी हैं। तो देखो, सियाराम शरण गुप्त जी का जन्म 4 दिसंबर कब होता है? 4 दिसंबर को इनका जन्म होता है। 4 दिसंबर 1995 1895 को इनका जन्म होता है। मध्य प्रदेश में होता है। कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में होता है इनका जन्म। किसका जन्म? सियाराम शरण गुप्ता का जन्म होता है। तो पिता का नाम सेठ रामचरण था। देखो, इनके पिता का नाम था सेठ। क्या था इनका नाम? सेठ थे, सेठ चरण राम था, राम चरण था, राम चरण इनके पिता का नाम था। और माता का नाम कौशल्या बाई था। क्या था उनके पिता, माता का नाम क्या था? कौशल्या बाई था। वे हिंदी के राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के अनुज थे। तो समझ में आ रहे ना आपको, हिंदी के राष्ट्रकवि किसे माना जाता है? मैथिली शरण गुप्त जी को हिंदी के राष्ट्रकवि माना जाता है बच्चों। तो इनके अनुज थे, साथ थे। प्रारंभिक शिक्षा के बाद घर पर ही उन्होंने गुजराती सीखी, अंग्रेजी सीखी तथा उर्दू भाषा सीखी। इन्होंने 1929 में महात्मा गांधी के संपर्क में आकर वर्धा में रहे। देखो, ये मैथिली शरण गुप्त जी के साथ रहे और हमारे राष्ट्रपिता कहलाने वाले महात्मा गांधी जी के साथ भी वर्धा में रहे, संपर्क में आकर। उनकी प्रमुख रचनाएं कुछ यहाँ पर है बच्चों, मौर्य विजय, अनाथ, विषाद, आद्रा, आत्मस्थैर्यता, आत्मोत्सर्ग, मृणमयी, बापू, नकुल आदि दीर्घकालीन साहित्य सेवा के लिए उन्हें नागरी प्रसारणी सभा वाराणसी द्वारा
सुधाकर पदक प्रदान किया जा गया है। किसको? सियाराम शरण गुप्ता जी को सुधाकर नामक एक पदक दिया गया है। लंबे समय की बीमारी के कारण 29 मार्च 1963 को इनका निधन होता है। क्या? लंबी बीमारी के कारण, उनकी तो मृत्यु कब हुई? कारण 29 मार्च को, मार्च को इनकी मृत्यु 1963 को, 1963 को इनकी मृत्यु हुई थी। किसकी? सियाराम शरण गुप्ता जी की। तो इनका माता पिता का नाम क्या था? रामचरण था। और क्या था? रामचरण था। और माता का नाम क्या था? कौशल्याबाई था। तो इनका जन्म कहाँ हुआ बच्चों? मध्य प्रदेश में हुआ और झांसी के छिलगांव में हुआ था। 4 सितंबर 1895 में इनका छिलगांव में, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था बच्चों। तो आप देख सकते हैं कि हम समय का सदुपयोग कैसे करना है। आप देख सकते हैं कि समय का सदुपयोग कैसे करते हैं बच्चों। समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार चला गया समय, सो चला गया, फिर हाथ नहीं आता। इसीलिए कहते हैं कि जो समय मिलता है उसका सदुपयोग करना चाहिए। अगर आप लाख करोड़ भी देंगे तो पैसा, फिर गुजरा हुआ समय आपके हाथ नहीं आ सकता। तो देखो बच्चों, समय की पहचान में आपके सामने कविता प्रस्तुत कर रही हूँ, सियाराम शरण गुप्त। समय बहुत अनमोल है। अनमोल मीन्स तुम्बा बेले बाड़वंतह दो, अनमोल है। उसका महत्व धन से भी ज्यादा है। धन मीन्स पैसा। धन कहते हैं ना आप, धन, धन मीन्स पैसा है ना, रुपया कहते हैं हम। धन से भी बहुत, अगर धन खर्च, जैसे हम खर्च करते हैं वैसे वैसे हम कमा सकते हैं धन, लेकिन समय कभी कमा नहीं सकते। गुजरा हुआ समय फिर नहीं आ सकता। तो देखो, समय धन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस कविता द्वारा छात्र समय की महानता समझेंगे। क्या समझेंगे कवि बच्चे? इस कविता के जरिए समय की महानता, समय को कैसे उपयोग करना है, समय का कैसे सदुपयोग करना है, किस प्रकार से समय को हम सदुपयोग अपने जिंदगी में कर लेना है, ये सब आपको दिखाएंगे बच्चों। तो देखो, मैं एक बार कविता पढ़ती हूँ, आप पुस्तक लेकर तैयार बैठिए। उद्योगी को कहाँ नहीं समय मिल जाता, समय नष्ट कर कहीं सौख्य कोई भी पाता। देखो कितनी अच्छी बात है। उद्योगी को कहाँ नहीं समय सुसमय मिल जाता, समय नष्ट कर कभी कहीं सौख्य कोई भी नहीं पाता। आलस ही यहाँ कर रहा है सभी बहाने, जो करना है करो अभी, कल को क्या जाने। पा सकते फिर नहीं कभी तुम उसको खोके, चाहो तुम क्यों नहीं चक्रवर्ती भी होके। कर सकता कब कौन द्रव है उसकी समानता, फिर भी तुमको नहीं जरा है इसकी चिंता। समय ही शिका दिया हुआ अति अनुपम धन है, यही समय ही ओह तुम्हारा शुभ जीवन है। तुच्छ कभी तुम कहीं एक पल को भी जानो, पल पल से ही बना हुआ जीवन को मानो। करना है जो काम उसी में चिंता लगा दो, आत्मा पर विश्वास करो संदेह भगा दो। ऐसा सुसमय भला और कब तुम पाओगे, खोकर पीछे इसे सर्वत्र पछताओगे। देखो कितनी अच्छी कविता है बच्चों, आप अगर एक बार पढ़ लेंगे तो आपके मन को छू जाएगा, समझ रहे हैं ना बच्चों। तो देखो, समय अधिक महत्वपूर्ण होता है बच्चों, वो भी अपने छात्रों की लाइफ में बहुत अनमोल होता है। समय को जो अपना सच्चा साथी बना ले, कौन? जो समय के साथ चलता हो, समय को नष्ट ना करता हो, वो क्या करता है, एक अच्छा इंसान बन सकता है आगे चलकर, वह अपने समय को सफल होगा। इस कविता में यहाँ संदेश दिया गया है कि हमें काम करने को जो अवसर प्राप्त होता है उसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। जो भी समय मिले उसका उपयोग कर लेना चाहिए, उसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए बच्चों। तो देखो,
भगवान होते हैं, जो मेहनत करते हैं उनके साथ भगवान होते हैं बच्चों। तो देखो यहाँ पर उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल जाता, समय नष्ट कर कहीं सुख कोई भी पाता। एक उद्योगी रहता है, एक मेहनतदार रहता है, उसे समय नष्ट करने के लिए समय ही नहीं होता, वो सिर्फ अपने काम में तल्लीन हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है कि मनुष्य को अच्छे चिंता करने के लिए एक ना एक काम में अपने आप को लगाना चाहिए। अगर मनुष्य खाली बैठा तो क्या हो जाएगा, उसका मन भटकने लग जाएगा और बुरी बुरी सोच उसके मन में आने लगेगी। इसीलिए एक ना एक काम में मनुष्य को क्या होना है, व्यस्त होकर रखना है बच्चों। तो मैं ये बता रही हूँ कि उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल जाता, समय नष्ट कर कहाँ कहीं सोच नहीं भी पाता। देखो समय नष्ट कर, अगर हम समय को नष्ट करेंगे तो समय हमें ही नष्ट कर डालेगा बच्चों। इसीलिए कह रहा है कि सुसमय यानी अच्छा समय, सुसमय कहा जाता है अच्छा समय। तो उद्योगी का अर्थ होता है परिश्रमी करने वाला यानी मेहनत करने वाला। तो सौख्य होता है सुख होता है, सौख्य का अर्थ होता है सुख होता है, सौख्य सुख। और उद्योगी का अर्थ होता है, तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि उद्योगी यानी उद्योगी यानी परिश्रमी परिश्रम करने वाला यानी परिश्रम कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर यह दिखाया गया है कि उद्योगी को कहाँ सुसमय नहीं मिल जाता, अच्छा समय मिलना है उसे। अपने काम में ही व्यस्त रहता है सारे का पूरा, सारा दिन क्या करता है, पूरा दिन अपने काम में व्यस्त हो जाता है, इसीलिए उसे समय नष्ट करने का मौका ही नहीं मिलता बच्चों। तो सुसमय मिल जाता, समय नष्ट कर कहीं सौख्य कोई भी पाता। समय नष्ट करके, समय यानी समय नष्ट करके कोई सौख्य नहीं पाता। सौख्य का अर्थ होता है सुख नहीं पाता, सौख्य का अर्थ होता है सुख नहीं पाता। जो इंसान समय को नष्ट करता है, समय उसको नष्ट कर देता है, बस सिंपल सी बात है बच्चों। आप समय का उपयोग करेंगे तो समय आपको उपयोग कर लेगा, एक आप एक अच्छी उन्नत व्यक्ति बन सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर यही दिखाने का प्रयत्न करें, आलस ही यहाँ कर रहा है सभी बहाने। समय नष्ट करने का बहाना कौन बना रहा है, अपने अंदर छुपा हुआ आलस्य कर रहा है। आलस्य मीन्स आलस्य कर रहा है। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि कर रहा है सभी बहाने, जो हमारे अंदर आलस्य भरा हुआ है वे ही हमारा बड़ा शत्रु है। इंसान का बहुत बड़ा शत्रु कौन है, परम शत्रु उसका आलस्य है। अगर हम आलस्य छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एक अच्छा इंसान बन सकता है बच्चों। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो करना है करो अभी, कल क्या जाने। देखो कितनी अच्छी बात है, जो करना है आज करो, कल के लिए मत रखो, कल दूसरा काम आ जाएगा आप कर लेना। तो जो करना है करो, जो भी आप समझते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं आज ही कर लो, कल क्या होगा किसने जाना है, कोई भी नहीं देखा है हमने। भविष्य देखा है क्या आपने, नहीं देखा है। इसीलिए आज का काम कल के लिए मत छोड़ो, यहाँ पर यही बताने का प्रयास किया गया है बच्चों। तो पा सकते फिर नहीं कभी तुम इसको खो के। देखो खोना पाना ये क्या है, विलोम शब्द है बच्चों, पाना और खोना विलोम शब्द है, समझ रहे हैं ना आप, पाना खोना, पाना और खोना। देखो यहाँ पर दिया गया है पा सकते फिर नहीं तुम इसको खो के, इसको खो के तुम पा नहीं सकते। ये कह रहे हैं कि खोना मीन्स सब बर्बाद कर देना, एक बार समय चला गया तो फिर नहीं आएगा, वो समय नहीं आएगा, नया समय आते जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि आप जब भी समय की महत्व करो अच्छे से करो। तो पा सकते फिर नहीं कभी तुम खो के, चाहो तुम क्यों नहीं चक्रवर्ती भी हो के। चक्रवर्ती मीन्स राजा कह सकते हैं बच्चों, आप
बीता हुआ समय आप खरीद नहीं सकते। खरीद सकते हैं क्या? नहीं, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि राजा, किसान, व्यक्ति, अमीर, गरीब सबके लिए एक ही समय है। अगर वो समय चला गया तो चला गया और फिर कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पर यही बताने का प्रयास कर रहे हैं, कर सकता कब कौन द्रव्य है इसकी समता, फिर भी तुमको नहीं जरा है इसकी चिंता। देखो, बहाना मीन्स बात को टाल देना, नाम पत्र का कारण, द्रव्य मीन्स धन। देखो यहाँ पर, कर सकता कब कौन द्रव्य है इसकी समता, समय और धन की समानता कोई नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? ए, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं पैसा देके समय खरीद लूंगा, ऐसा कोई कह सकता है क्या? नहीं कह सकता। इसीलिए कह रहे हैं कि समय और धन की कंपैरिजन कोई नहीं कर सकते। समय समय है, पैसा पैसा है, धन धन है, फिर भी तुमको नहीं जरा इसकी चिंता। पैसा देकर आप समय नहीं खरीद कर सकते। अगर एक बार समय चला गया तो दूसरी बार नहीं आ सकता। इतना सारा समझते हुए भी आप क्या कर सकते हैं? समय को पहचान नहीं सकते और समय की आप चिंता नहीं कर सकते। तो देखो, समय ईश का दिया हुआ अति अनुपम धन है। देखो, धन मीन्स पैसा, समझ में आ रहा है ना? ईश का, ईश यानी ईश्वर, भगवान का दिया हुआ अनुपम धन है, अनमोल धन है, समझ रहे हैं ना आपको? अनमोल धन है। यही समय ही हो तुम्हारा शुभ जीवन हो, क्या पता, किसको क्या पता कब अच्छा समय आ जाए आपका, कब शुभ दिन आ जाए आपका। इसीलिए समय की कदर करो, समय को पहचानो कि ये समय कौन सा है, ये समय कौन सा है, समय को नष्ट ना करो आप, ऐसा कहते हैं। तुच्छ कभी तुम नहीं एक पल को भी जानो। देखो, तुच्छ मीन्स वेस्ट, यानी आप एक क्षण को भी आप मत गवाना, छोटा सा एक क्षण भी आप वेस्ट मत करना, ऐसा कहा गया है बच्चों। तो यह समय हो तुच्छ कभी तुम एक पल को भी जान, एक पल भी आपको नहीं जाने देना बच्चों। पल पल से ही बना हुआ है जीवन को मानो। हम कहते हैं कि बूंद बूंद के मिलने से बन जाता है सागर, सूत सूत के मिलने से बन जाती है चादर, ऐसे ही समय सेकंड सेकंड मिनट मिनट बन के समय बनता है बच्चों। अगर आप इसको नष्ट करेंगे तो हमारा सारा जीवन नष्ट हो जाएगा। यही इसमें आपको संदेश देते हैं कि समय को कभी भी नहीं नष्ट करना चाहिए, समय की कदर करना चाहिए सीखो। अगर दूसरा कोई समय को नष्ट कर रहा है तो उसे बताओ कि समय उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, सबके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, बताओ उसके लिए। तो करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो, चित्त मीन्स मन लगा दो, चित्त लगा दो। कहते हैं कि जो काम करना है आपको उसमें अपना अपना मन लगा दो, चित्त लगा दो। तो यहाँ पल में क्षण क्षण के लिए आत्मा पर विश्वास करो, संदेह भगा दो, आपको संदेह नहीं होना चाहिए। तो बच्चों, विश्वास का विलोम शब्द है अविश्वास, विश्वास, विश्वास विलोम शब्द है अविश्वास। आप देख सकते हैं कि अविश्वास, देखो ऐसे बहुत सारे आएंगे जो आपके कविता में पाठ में सब आएंगे, आपको ये देखकर समझना है। अब बार बार जब जिस शब्दों का उच्चारण आप बार 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 करेंगे तो आपके दिमाग में वे शब्द बैठ जाएंगे, आपको दोबारा सीखने की आवश्यकता नहीं होती बच्चों। तो आत्मा पर विश्वास करो, संदेह भगा दो। अपनी आत्मा पर विश्वास करना है बच्चों, दूसरों पर नहीं। मुझसे हो सकता है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ऐसा अपने आप में जब विश्वास बनता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन डरना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा आत्मा पर विश्वास करो, संदेह भगा दो, ऐसा तो समय भला और कब तुम्हें पाओगे। देखो, और कब पाओगे आप लोग, आप और कब पाओगे ऐसा समय? ऐसा समय फिर आपके हाथ नहीं आएगा, खो कर छुपी छे इस सार्थक पछताओ। अगर समय को खो दिया तो आप पछताना नहीं, पछताना नहीं कि क्योंकि आपको समय का सदुपयोग नहीं किया है, पछताना ना पड़े। पछताने से आपको कुछ भी हाथ नहीं आएगा। इसीलिए आपको जो भी मिले, आपके साथ में जो भी समय है, उसका
सदुपयोग करना सीखना चाहिए बच्चों। हमें ये पता चलता है कि समय का सदुपयोग कैसे करना चाहिए। तो पछताना नहीं चाहिए कि हम कल वो करना था, कल ने नहीं किया तो आज करेंगे, कल का कल हो गया, लेकिन आगे आने वाले दिनों में, अब तक तो आपने आपने जितना टाइम वेस्ट कर लिया वेस्ट कर लिया बच्चों, लेकिन आगे के दिनों में आगे का टाइम मत वेस्ट करो। समय को नष्ट करने से मनुष्य नष्ट हो जाता है, आपको यही दिखाने का प्रयास यहाँ पर किया गया है बच्चों। तो आप समझ सकते हैं कि यह कविता कितनी सुंदर कविता है। सिया राम चरण गुप्त जी ने आपके लिए स्पेशली 10वीं कक्षा की छात्राओं के लिए, क्यों? क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम फेस करने वाले हैं, इसीलिए आपको समय की पहचान अच्छे से होना चाहिए, इसीलिए आपको ये कविता दी गई है। धन्यवाद बच्चों।